गुड मॉर्निंग सुजय। साइन करिए, साइन करिए, करेंगे साइन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम। देखते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ आपको। फाइल सिस्टम एंड डायरेक्टरी, तो देखिए कि फाइल सिस्टम में क्या क्या गोल्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे इस फाइल का पर्पज क्या है वो डिसाइड करना है, फाइल सिस्टम एंड डायरेक्टरीज, और हमें टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के बीच में एक डिफरेंस हमको दिखाना है। आइडेंटिफाई वेरियस फाइल टाइप बाय देयर एक्सटेंशन, एक्सप्लेन हाउ फाइल टाइप इंप्रूव फाइल यूजेज, डिफाइन द बेसिक ऑपरेशन ऑन अ फाइल, एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट फाइल एक्सेस, डिस्कस इश्यू रिलेटेड टू फाइल प्रोटेक्शन, डिस्क्राइब अ डायरेक्टरी ट्री, क्रिएट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ फॉर डायरेक्टरी ट्री, एंड सेवरल डिसशेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये चीजें हमको इसमें देखनी है। तो हम फाइल सिस्टम की सिंपल बात करें तो फाइल इज द नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मतलब कि अनेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है फाइल। और अगर हम और फाइल की डिफिनेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं फाइल की और डिफिनेशन, जो मैं आपको दिखाता हूँ फाइल्स की डिफिनेशन और देख सकते हैं आप। देखिए नॉर्मल तरीके से कि फाइल इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि फाइल एक नेम कलेक्शन है जिसमें आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जिसका रिकॉर्ड आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, हार्ड डिस्क है, इसमें स्टोर होते हैं। तो फाइल की जो सीक्वेंस ऑफ बाइट बिट्स लाइंस आर रिकॉर्ड हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय द फाइल क्रिएटर एंड यूजर, जो फाइल को क्रिएट करेगा वही इसकी मीनिंग को डिफाइंड करेगा, जो फाइल यूजर होगा वो इसकी मीनिंग को जानेगा। ओके, तो नॉर्मल आपने देखा होगा ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो द लॉजिकल व्यू दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सो दैट यूजर कैन मैनेज इंफॉर्मेशन एज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, यूजर कैन मैनेज इंफॉर्मेशन, यूजर जो है इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकता है उस कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जैसे कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। और आपका जो लॉजिकल व्यू है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है कि यूजर कैन मैनेज इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी आपका नेम्ड ग्रुप ऑफ फाइल, डायरेक्टरी ग्रुप ऑफ फाइल्स होता है, यानी डायरेक्टरी जस्ट लाइक ए फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स को आप स्टोर कर सकते हो। अब जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, जो टेक्स्ट फाइल है एक ऐसी फाइल इन विच द बाइट ऑफ डेटा आर ऑर्गेनाइज, जिसमें बाइट ऑफ डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है एज ए करेक्टर फ्रॉम द ASCII एंड यूनिकोड करेक्टर सेट, एंड बाइनरी फाइल अ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी जो फाइल है आपका वो डेटा कंटेन करता है, फाइल दैट कंटेंस डेटा, फाइल क्या है दैट कंटेंस डेटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन,
रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन, जिसमें इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। द टर्म टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल आर समव्हाट मिसलीडिंग। तो दे सीम टू इंप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट फाइल इज नॉट स्टोर एज अ बाइनरी। अल्टीमेटली ऑल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर एज अ बाइनरी डिजिट। तो जैसे कि अब द टर्म्स टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल, ये जस्ट वाइज कि दोनों सेम है, कि दोनों अलग अलग है, जस्ट मिसलीडिंग। तो दे सीम टू इंप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट फाइल इज नॉट स्टोर एज बाइनरी डेटा। जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में है वो एज ए बाइनरी डेटा स्टोर नहीं होता। अल्टीमेटली ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर एज ए बाइनरी डेटा। यानी कि जो कंप्यूटर्स में डेटा आप इंफॉर्मेशन, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर कंप्यूटर पर होती है, वो एज ए बाइनरी डिजिट ही स्टोर होती है। और किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर एज ए बाइनरी डेटा स्टोर नहीं होती, जस्ट अ इंफॉर्मेशन। तो दीज टर्म्स रेफर्स टू हाउ दीज बिट्स आर फॉर्मेटेड, हाउ दोज बिट्स आर फॉर्मेटेड, जिसे एज ए चंक ऑफ 8 बिट्स एंड चंक्स ऑफ 16 बिट्स, इंटरप्रिटेटेड एज ए करेक्टर एंड सम अदर स्पेसिफिक फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आप देते हैं फाइल के अंदर। अब आती है फाइल टाइप। तो मोस्ट फाइल वेदर दे आर इन टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्मेट, बहुत सारी फाइलें जो हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती हैं या बाइनरी फॉर्मेट में, कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। जैसे अब फाइल में कंटेन है जावा प्रोग्राम, तो जेपीईजी इमेज और एन MP3 ऑडियो क्लिप, ये जस्ट एग्जाम्पल। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन ए डॉक्यूमेंट, यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में कंटेन है, इज कॉल्ड फाइल टाइप। यानी कि कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट आप किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, उसे हम बोलेंगे फाइल टाइप। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फाइल टाइप, जैसे कि फाइल नेम्स आर यूजुअली सेपरेटेड, यूजुअली अ पीरियड इन टू पार्ट, मेन नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। जैसे हम कह दें कि एक्सटेंशन TXT है, तो टेक्स्ट डेटा फाइल बोलेंगे, हम बोलेंगे au.au.wav.mp3, जस्ट ऑडियो फाइल बोलेंगे। हम कहेंगे GIF है, TIFF है, JPG है, जस्ट द इमेज फाइल। दिस इज अ फाइल टाइप। DOC, WP3, ये वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इसका फाइल टाइप है। जावा है, प्रोग्राम सोर्स फाइल सी है, C++ है। तो द फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द टाइप ऑफ द फाइल, किस टाइप की फाइल है, ये आपका फाइल एक्सटेंशन आपको शो करता है, बता देता है कि किस टाइप का फाइल आपके पास है। अब इसे फाइल ऑपरेशन है, क्रिएट अ फाइल, अपेंड डेटा टू एंड ऑफ फाइल, जैसे डिलीट अ फाइल, जैसे ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल, रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, राइट डेटा टू फाइल, रिपोजिशन द करेंट फाइल, पॉइंटर इन फाइल, कॉपी फाइल, रीनेम फाइल, ट्रंकेट अ फाइल मतलब डिलीट इट्स कंटेंट, अपेंड डेटा टू द एंड ऑफ फाइल। तो ये सारे फाइल ऑपरेशंस हैं। अब जैसे हमारा फाइल एक्सेस है, देखिए करंट फाइल पॉइंटर, दिस इज अ करंट फाइल, ये सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस है, ये बिगिनिंग है, ये एंडिंग है, तो ये रिवाइंड है, रीड एंड राइट, इस तरह का आर्किटेक्चर होता है कि रिवाइंड करना है कि रीड करना है या राइट करना। तो जो सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस है, इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर, ऑर्डरली आपका फाइल का एक्सेसिंग होगा, एंड रीड एंड राइट ऑपरेशन आर देयर।
जिसमें आप रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, एंड आप करंट फाइल पॉइंटर को मूव भी करा सकते हैं एज फार एज नीडेड, अगर आपको जरूरत है रीड और राइट ऑफ द डेटा, ये डेटा को आपको राइट ऑफ द डेटा एंड रीड ऑफ द डेटा, और आपको सिक्वेंशियली रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन आप सिक्वेंशियली कर सकते हैं ये इस सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में। और द मोस्ट कॉमन फाइल एक्सेस टेक्निक एंड द सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट, तो इसी का मोस्टली हमारा एक्सेस फाइल टेक्निक है ये, जो बहुत ही कॉमन फाइल एक्सेस टेक्निक है एंड इसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे डायरेक्ट एक्सेस है, देखिए फाइल आर कंसेप्चुअली डिवाइडेड इनटू नंबर्ड लॉजिकल रिकॉर्ड, ये बात याद करने योग्य है। सभी को ये पूछ लेता है कि फाइल आर कंसेप्चुअली डिवाइड इनटू नंबर्ड लॉजिकल रिकॉर्ड, यस या नो, एंड ईच लॉजिकल रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय नंबर, और हम प्रत्येक लॉजिकल रिकॉर्ड को बाय नंबर, डायरेक्टली बाय नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एक्सेस में ही हो सकता है। अब इसे फाइल एक्सेस हम देखें डायरेक्ट फाइल एक्सेस का, तो देखिए करंट फाइल पॉइंटर आपके सामने ये बिगनिंग है, ये बिगनिंग है, तो ये जैसे मान लीजिए अभी जो है करंट फाइल पोजीशन आपकी 11 नंबर पे है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे है या 5 नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये पॉइंटर जिस भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, जो पॉइंटर जस्ट जंप करेगा, तो जंप एनी लॉजिकल रिकॉर्ड देन रीड एंड राइट, जंप करेगा और आपका रीड एंड राइट जो भी उसका ऑपरेशन है वो कर सकता है। मान लो 18 नंबर की फाइल्स है, उसको आप रीड करना चाह रहे हो या राइट, जिस डिवाइडेड बाय नंबर, हमने इसको नंबर से डिवाइड कर दिया, और ये करंट फाइल जो आपका पॉइंटर है ये आपको जंप, ये आपको जंप होगा कि अब हम इसको 18 नंबर की फाइल को रीड करना है राइट करना है, तो आपका पॉइंटर यहाँ पे शो करेगा और उसको आप रीड एंड राइट कर सकते हो। अब जैसे फाइल प्रोटेक्शन की बात आती है, देखिए मल्टी यूजर सिस्टम्स में आपका जो फाइल प्रोटेक्शन इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जिसे हम प्राइमरी इंपॉर्टेंस ही कहेंगे, फिर वी डोंट वांट वन यूजर टू एबल टू एक्सेस अनदर यूजर्स फाइल, यानी किसी एक, कोई भी एक यूजर, हम चाहते हैं कि पहला यूजर दूसरे यूजर्स की फाइल को एक्सेस करे, तो फाइल अनलेस द एक्सेस इज स्पेशली अलाउड, तो ये परमिशन नहीं होती, मतलब वो वी डोंट वांट, वो नहीं चाहता है कि एक कोई यूजर है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा यूजर मेरा डेटा रीड करे या राइट करे या इसको एक्सेस करे, या कोई दूसरा यूजर, कोई भी यूजर नहीं चाहेगा कि मेरा दूसरा यूजर, यानी कि वी वांट टू, वी डोंट वांट वन यूजर टू एबल टू एक्सेस अनदर यूजर फाइल अनलेस एक्सेस इज स्पेशली अलाउड। तो फाइल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइंस हु कैन यूज फाइल फॉर व्हाट जनरल पर्पज, कि फाइल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में क्या है कि डिटरमाइन करेगा कि हु कैन यूज, कौन उस फाइल को यूज कर सकता है और क्या उसका जनरल पर्पज है, किस जनरल पर्पज के लिए। फाइल प्रोटेक्शन सेटिंग में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइडेड, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, ओनर, ग्रुप एंड वर्ल्ड। तो देखिए ओनर, ओनर में क्या, रीड राइट एंड डिलीट, यस, एग्जीक्यूट, नो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ग्रुप में यस, राइट डिलीट नहीं कर सकते, ना एग्जीक्यूट कर सकते, और वर्ड में तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये फाइल प्रोटेक्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह होता है। अब डायरेक्टरी ट्री जो होती है कि डायरेक्टरी ऑफ फाइल कैन बी कंटेंड विद अनदर डायरेक्टरी, मतलब कि डायरेक्टरी ऑफ फाइल यानी कि एक डायरेक्टरी जैसे नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उन फाइल्स को हम कंटेन कर सकते हैं किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर। तो डायरेक्टरी कंटेनिंग अनदर इज यूजुअली कॉल्ड द पैरेंट डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी कंटेन हो रही है दूसरे में, डायरेक्टरी कंटेनिंग अनदर, उसको हम बोलेंगे पैरेंट डायरेक्टरी, एंड वन इनसाइड इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी ट्री एक लॉजिकल व्यू है फाइल सिस्टम का, जिसमें हम स्ट्रक्चर शो करता है नेस्टेड डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, और जिसे रूट डायरेक्टरी आप बोलते हो, तो डायरेक्टरी एट द हाईएस्ट लेवल इज अ रूट डायरेक्टरी।
ये देखिए, अगर आप इसको देखें गौर से तो यहां पर देखिए ये सी कॉलन, ये सी प्रॉम्प्ट आपका बना हुआ है यहां पे। अब सी प्रॉम्प्ट के अंदर तीन प्रकार की फाइलें हैं, दिस इज अ रूट लेबल, ये विंडोज है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रोग्राम फाइल। तो विंडोज के अकॉर्डिंग देखिए सारी ईएक्सई है ये देखिए। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं, केबल डॉट ई, दिस इज सब डायरेक्टरी, ड्राइवर्स एंड सिस्टम। तो हर के अंदर देखिए ट्री टाइप बनती चली जा रही है, ये विंडोज डायरेक्टरी ट्री है जो आपने अभी देखा, जो आपने अभी इसको देखा। और प्रोग्राम फाइल के अंदर एमएस ऑफिस है, बिनजिप है, तो ये आपकी दो सब डायरेक्टरी है। इसी तरह माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 आपने सब डायरेक्टरी बना रखी है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बी थॉट ऑफ एज वर्किंग ए पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज ए पर्टिकुलर सब डायरेक्टरी। यानी कि किसी भी समय पे आप यू कैन बी थॉट ऑफ एज आप कुछ भी वर्किंग अगर करना चाहते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो दैट इज ए पर्टिकुलर सब डायरेक्टरी पे आप कर सकते हो। वर्किंग डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी इन विच यू आर वर्किंग, यानी कि जिस सब डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो इट इज अ वर्किंग डायरेक्टरी। अब जैसे यूनिक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए ये स्लैश बना हुआ है, स्लैश इज द रूट डायरेक्टरी, और बिन, ईटीसी, डेव, होम, ये आपके ऑप्शन होते हैं। आई थिंक आपने लिनक्स में पढ़ा भी होगा कि ये जो यूनिक्स की डायरेक्टरी है वो इस तरह बनती है, जिसमें बिन है, ईटीसी है, डेव, होम एंड यूएसआर, ये सब आपकी रूट डायरेक्टरी है। इसके अंदर सारी की सारी डायरेक्टरी यहाँ पर बनी हुई है। अब जैसे पाथ नेम में अगर हम देखें कि अ टच डेजिग्नेशन ऑफ द लोकेशन अ फाइल और सब डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम, जो आपका टच डेजिग्नेशन है किसी भी लोकेशन का, किसी भी फाइल के लिए फाइल सिस्टम की सब डायरेक्टरी, या किसी फाइल के लिए या किसी सब डायरेक्टरी के लिए, तो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डायरेक्टरी थ्रू विच गो मस्ट गो फाइंड द फाइल। तो इसमें क्या रहता है कि सीरीज ऑफ डायरेक्टरी जो है थ्रू विच मस्ट गो टू फाइंड द फाइल, किस फाइल को आप प्राप्त करना चाहते हो या करना चाहिए। एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या कहते हैं कि पाथ दैट बिगिन एट द रूट, रूट से स्टार्ट होगा, स्पेसिफाई ईच स्टेप डाउन द ट्री अंटिल इट रीचेस द डिजायर्ड फाइल और डायरेक्टरी। और रिलेटिव पाथ में क्या है कि पाथ नेम दैट बिगिंस एट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। रिलेटिव पाथ कहाँ होता है, जिस वर्किंग डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो, जो करंट की डायरेक्टरी है उसमें रिलेटिव पाथ होता है। अब जैसे पाथ नेम है, जैसे मेरे एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट पाथ, इसमें लिखा है कि सी कॉलन सी प्रॉम्प्ट प्रोग्राम फाइल स्लैश एमएस ऑफिस स्लैश बिन वर्ड डॉट ईएक्सई, ये आपके एब्सोल्यूट पाथ के एग्जाम्पल्स होते हैं। सपोज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज अ सी माई डॉक्यूमेंट एंड लेटर, ये आपके इसलिए पाथ आपका करंट डायरेक्टरी का होता है। देन द फॉलोइंग रिलेटिव पाथ नेम कुड बी यूज, जैसे कि कैंसिल एम जी डॉट, ये पाथ नेम है डॉट डी ओ सी, ये आपका डी ओ सी जो फाइल हम फाइल टाइप की एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, तो ये आपका रिलेटिव पाथ नेम कुड बी यूज, इस तरह हम यूज करेंगे। तो ये मोस्टली हमने देखा है फाइल सिस्टम को, फाइल सिस्टम और फाइल डायरेक्टरी जो आपने पढ़ा यहाँ पे, यही मेरा टॉपिक था। तो मैं यहीं तक इसको मैं विराम देता हूँ प्रेजेंटेशन को। एंड आयुष, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर, आ रही है। क्योंकि 5G से को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने चेकआउट किया कि क्या तुम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने आज फाइल सिस्टम बहुत लेट तुम्हें ज्वाइन किया है, आई होप कि तुम इसको अब देख लोगे बाद में कैसे क्या है। तो सिंपल मैंने फाइल सिस्टम बताया आपके सिलेबस में है 15 मिनट में कि व्हाट इज फाइल। मैं भी नोट्स भी भेजता हूँ आप लोगों को, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको कि फाइल क्या होती है, किस टाइप की फाइल्स होती हैं, सारी चीज़ें आपको। और डिस्क रोलिंग में मैं आपको एक लेटेस्ट भेज रहा हूँ अभी, PDF में भेज दूंगा, तो आपका 15 मिनट का पूरा जो है काम खत्म हो जाएगा। ओके ओके
यस सर। हाँ तो मैं अभी आपको भेजता हूँ डिटेल्स। ओके।